अभी तक उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। वो लंदन में है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम लंदन में हैं वो भी ये जानता है। कौन? टाइगर। टाइगर और जोया को रॉ और आईएसआई की फाइल्स में गुमशुदा करार कर दिया गया। टाइगर के सारे पासपोर्ट हमने कैंसिल कर दिए, वो अब जैसे ही तुम पासपोर्ट साथ गुजरेगा हमें फौरन पता चल जाएगा। विमेंस डे के दिन राधिका आप्टे की नई मूवी मिसेज अंडरकवर का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, जिसमें उनका एक नया और अलग अवतार देखने को मिल रहा था। और पोस्टर आते ही फैंस का रिएक्शन भी सामने आ रहा था जो काफी पॉजिटिव था। Z5 की इस ओरिजिनल फिल्म मिसेज अंडरकवर में राधिका आप्टे हाउसवाइफ आओ के अंडरकवर एजेंट दोनों का किरदार प्ले करती हुई नजर आने वाली है, जो देश के दुश्मनों से लड़ती हुई नजर आएंगी। इस फिल्म को अनुश्री मेहता ने लिखा है और वही इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है। मिसेस अंडरकवर एक सिंपल इंडियन हाउसवाइफ जिसका नाम दुर्गा है उसकी स्टोरी है, जो एक स्पेशल अंडरकवर एजेंट भी है जिसे 10 सालों बाद अपने नाम के लिए बुलाया गया है। हालांकि इन 10 सालों में वो सिर्फ एक हाउसवाइफ ही बनी रही जो अपनी फैमिली और अपने डिमांडिंग हस्बैंड की डिमांड्स को पूरा करती रही, लेकिन अब एक बार फिर वो एक जासूस बनेगी और देश के लिए अपना फर्ज पूरा करेगी। उनका ये सफर काफी प्रॉब्लम्स से भरा होगा जो हमें कॉमेडी के तड़के के साथ दिखाया जाएगा। Z5 के CEO का कहना है कि वो हमेशा ही इंडिया के स्पिरिट से कनेक्ट करती स्टोरीज को बताते हैं और मिसेज अंडरकवर काफी अच्छी तरह से लिखी गई स्टोरी है जो इंडियन वुमेन पर काफी इफेक्ट करने वाली है। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है जिसमें एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी छुपा हुआ है, और साथ ही इस फिल्म के साथ स्पाई कॉमेडी की जो अंडर एक्सप्लोर्ड कैटेगरी है इसे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है, और वो भी राधिका आप्टे जैसी फीमेल लीड के साथ जो एक्शन और कॉमेडी दोनों में बेस्ट है। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को सभी विमेन को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई है जो एक मल्टीटास्कर हाउसवाइफ की स्टोरी है, जो फन एंटरटेनिंग और एक्शन पैक्ड अंडरकवर स्पाई मूवी होने वाली है, जिसके एंड में ये मैसेज दिया जाता है कि कोई भी हाउसवाइफ एक सुपर वुमन होती है। राधिका आप्टे के साथ साथ सुमित व्यास एस एंटागनिस्ट और राजेश शर्मा स्पेशल फोर्स के हेड के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं B4U मोशन पिक्चर्स, जादूगर फिल्म एंड नाइट स्काई मूवीज के एसोसिएशन के साथ, और इसे इस साल Z5 पर स्ट्रीम किया जाने वाला है। साथ ही राधिका आप्टे भी इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है और उनके फैंस भी उन्हें इस नेवर सीन बिफोर अवतार में देखने के लिए एक्साइटेड है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।